हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी का केक बनाएंगे, वो भी एकदम बेकरी जैसा, वो भी बिना ओवन, बिना एग और बिना बटर के। और इस केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे। आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट से केक बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, सूजी का केक बनाने के लिए पहले हम सूजी को एक ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करेंगे। वैसे आप चाहो तो बिना ग्राइंड किए भी सूजी को यूज कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सूजी को ग्राइंड कर लेते हो तो आपका जो केक है बहुत ही अच्छा बनेगा और उसका एक बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। केक का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये केक घर पे बना है। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से सूजी को पीस के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और जिस कप से हम सूजी का मेजरमेंट किया था उसी कप से दही लेंगे। और आप देख सकते हो जिस कप से मैंने सूजी नापा था उसी कप से मैं यहाँ पे हाफ कप दही ले रही हूँ। और ये जो मेरा दही है एकदम नॉर्मल दही। और अगर आप खट्टी वाले दही यूज करते हो तो आपको क्या करना है, एक चौथाई कप दही लेना है, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब हमें क्या करना है, दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, जैसे दही में जो थोड़ा थोड़ा सा लम्स आते हैं वो भी चला जाए और हमारा जो दही है एकदम से बहुत अच्छे से एक क्रीमी टेक्सचर में बनके रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। चीनी को मैंने पहले से ही मिक्स जार में पीस के फाइन पेस्ट बना लिया था। जिस कप से मैंने सूजी नापा था उसी कप से ये आधा कप होगा, लेकिन मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और पीसी हुई चीनी को यूज़ करने से एक फ़ायदा होता है, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। तो चीनी और दही को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आज की मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अब हम यहाँ पे आधा कप ऑयल डालेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जो भी ऑयल यूज़ करोगे वो बिना फ्लेवर के होने चाहिए, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, ऐसे टाइप के ऑयल नहीं होने चाहिए। तो केक बनाते टाइम ऑयल का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीसी हुई सूजी थी उसको भी यहाँ पे डाल देंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप केक बनाते टाइम जो भी चीज़ें का यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा दही, चीनी, ऑयल और सूजी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बट हमारा बैटर यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, लेकिन मिल्क हम एक साथ में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और यहाँ पे आधा कप मिल्क तो लग गया, जितना भी मिल्क बचा था वो भी यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो बैटर का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो केक को फूलने के लिए अब हमें क्या करना है, बैटर को 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलिए चलते हैं बेकिंग का तैयारी करने। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक पुरानी सी कढ़ाई लिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक कटोरी नमक डालूंगी और सारे नमक को अच्छे से कढ़ाई के बॉटम में स्प्रेड कर दूंगी। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी रख रही हूँ, ये कटोरी मैंने बहुत बार यूज़ किया था तो इसीलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो एक स्टैंड भी यहाँ पे रख सकते हो और 8 से 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम केक टिन को बहुत अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो और ऑयल लगाने के बाद मैदा से भी डस्टिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा केक ऐसे ही निकल आता है तो मैं आज सिर्फ ऑयल लगा के केक टिन को ग्रीस कर लूँगी। तो अब हम बैटर को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे मिल्क डाला था वो सारे सूजी ने सॉक कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा दूध डालेंगे और बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम और थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी को करेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बैटर का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक टीस्पून जितना वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, इलायची से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा।
और केक का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस हमारा बैटर बनके रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो ऐसे ही एक चम्मच से 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो और बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा देरी तक फेंटना नहीं है और ज़्यादा देरी तक बाहर भी रखना नहीं है, जल्दी से इसको बेक करना है। तो अब हम बैटर को केक टिन में डालेंगे। और केक को सजाने के लिए ऊपर से हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं केक को बेक करने। और 8 से 10 मिनट बाद कढ़ाई हमारी प्री हीट ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब केक टिन को बहुत अच्छे से कढ़ाई में प्लेस कर देंगे और 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और आप चाहो तो 20-25 मिनट बाद बीच में थोड़ा सा चेक कर सकते हो। तो अब 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं केक कैसा बना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसका लुक है। तो हमारा केक अंदर से प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं ये जानने के लिए हम यहाँ पे एक टूथपिक को सेंटर में डालेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हो टूथपिक एकदम से क्लियर निकला है। एक और बार सेंटर में डाल के मैं देखती हूँ, आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छे से क्लियरली निकल चुका है। अब हम केक को कढ़ाई से निकालेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हो केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ की मदद से केक के साइड को इसे स्क्रैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो केक है बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो अब लास्ट में कुछ नहीं करना, एक प्लेट लाके केक टिन के ऊपर रखना है और पलट देना है। तो आप देख सकते हो हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो अभी हम दूसरी साइड भी पलट के देखेंगे। ये देख सकते हो केक का लुक कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम बेकरी जैसा लग रहा है। और दिखने में इतना अच्छा तो दिख रहा है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो अब केक को काट के भी दिखा लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आज की मेरी ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।